क्लास 12 का वीवीआई क्वेश्चन क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें 13 नंबर में दो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको अभी बताया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है समांतर प्लेट की धारिता का सूत्र प्राप्त करें यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई का प्लेट रखा जाएगा तब। तो देखिए चित्र यह है, दो समानांतर प्लेट है एम और एन। एम को संग्राहक प्लेट, एन को संघनक प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और बीच में देखे ये जो देख रहे हैं वही यही टी मोटाई का प्लेट रखा गया। बीच में टी मोटाई का प्लेट रखा गया, तो चित्र से लिख दिए एम और एन कोई दो समानांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा बीच में टी मोटाई का प्लेट रखा गया। अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालते हैं, छोटी सिग्मा से होता है, छोटी सिग्मा बराबर क्यू बाई। अब इसमें देखिए दो माध्यम है, दो माध्यम के लिए निकालना पड़ेगा। एक तो आपका टी मोटाई का प्लेट है जो पैक है, इसमें कोई माध्यम नहीं, इसमें हवा नहीं है, निर्वात नहीं है, हवा इसमें कुछ नहीं है और ये जो है खाली जगह है, इसमें हवा है। तो दो माध्यम के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो टी मोटाई वाले प्लेट के कारण विद्युत तीव्रता को हम E1 ले लेते हैं, दो तीव्रता निकलेगा तो E1 ले लेते हैं। तो E1 बराबर छोटी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन, और छोटी सिग्मा का मान यहाँ धर दीजिए समीकरण एक का मान दो में, तो यहाँ धरिएगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, E1 हो गया। अब इसी के लिए हम विभवांतर निकाल लेते हैं, विभवांतर को V1 मान लेते हैं। विभवांतर तीव्रता गुणे दूरी होता है, V बराबर E × T। दूरी को टी मोटाई का प्लेट नहीं है तो दूरी को टी मान लिए, और E1 का मान देखिए आप समीकरण 3 में निकाले हुए, ये 3 में E1 का मान है, इसको पुट कर दीजिए E1 के जगह पर, तो V1 का सूत्र हो जाएगा इस तरह से। अभी हो गया टी मोटाई वाले प्लेट के कारण विभवांतर, ठीक है, टी मोटाई वाले प्लेट के कारण विभवांतर हो गया। अब निकालते हैं फ्री स्पेस जो खाली जगह उसके लिए विभवांतर, तो उसके लिए मोटाई कितना होगा। तो देखिए टी मोटाई के लिए तो आप निकाल लिए हैं, तो डी में से टी घटा दीजिए तो खाली जगह बच जाएगा, तो डी माइनस टी दूरी हो जाएगा उसका, और उसके लिए विभवांतर को हम V2 लिख देते हैं। तो इसी के आधार पर निकालना है आपको V के, यहाँ पर ही V2 हो जाएगा, EQ हो जाएगा, अब मोटाई T है तो मोटाई इसका हो जाएगा D माइनस T हो जाएगा, मोटाई कितना होगा D माइनस T हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद देखिए वही निकाल लिए हैं आपका V2 और V1, आपको पीछे निकला हुआ परिणामी विभवांतर निकालना है तो V1 और V1 प्लस V2 दोनों विभवांतर को जोड़ दीजिए। V1 का मान पीछे से उठा के धर दीजिएगा और V2 का मान यहाँ से धर दिए, दोनों का मान पुट हो गया। अब दोनों में कॉमन क्यू और क्यू कॉमन है, ए और ए कॉमन है, ε0 ε0 कॉमन है, तो बचा T/εr, यहाँ पर बचा हुआ D-T। अब इसको हल कर देते हैं, इसको हल करते हैं तो D-T/εr प्लस D-T हो गया। इसके बाद देखिए ये जो D है इसको आगे कर दिए हैं और टी माइनस में इसको आगे कर दिए, T/εr को पीछे कर दिए, ये दोनों में कॉमन क्या है T, कॉमन निकाल लीजिएगा तो T निकल जाएगा, इसमें -T निकाल दिया तो यहाँ एक बच गया और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब धारिता निकालना है तो C/Q/V होता है, V का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, तो V का मान यहाँ पुट करिएगा तो Q कैंसिल हो जाएगा और इसको पलट दीजिए तो ε0 ऊपर चला जाएगा। यही आपको हो गया टी मोटाई के प्लेट के लिए धारिता का सूत्र, C/ε0 और D-T 1-1/εr। चलिए इसको लिख लीजिए।